नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, ये एक सिलसिला हम गुफ्तगू का शुरू करने लगे हैं हम टेलीविज़न की कोलैबोरेशन से। हमारा ख्याल ये है कि कुछ ऐसे मौजू हैं जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए और जो नई नस्ल यहाँ बैठी है उनके ख्यालात भी हमें सुनने चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इस सीरीज़ का पहला लेक्चर हम सिटी लॉ कॉलेज लाहौर में कर रहे हैं और जहाँ हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। सिटी लॉ कॉलेज वो कॉलेज है जिससे मैं बहुत सालों से मुंसलिक हूँ। यहाँ बच्चे वकील बनना चाहते हैं बहुत से। सो वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच कि आप आए हैं। अब मेरी पहली सजेशन आज के लेक्चर के लिए ये है कि जो वकालत का निज़ाम है उसको बदलना चाहिए, जो आपका सिलेबस है ना LLB का उसको बदलना चाहिए। कुछ नई क्वालिटीज़ आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहले बेटा, डिग्री से पहले आपको नारे लगाने आने चाहिए ताकि जब आप सड़कों पर निकलें काले कोट पहन के तो आप बावाज़े बुलंद आप आनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपको पेवमेंट तोड़नी आनी चाहिए ताकि आप ईंटें मार सकें पुलिस वालों को, ठीक है। तीसरा ये है कि जो सारा हमारा ख्याल था कि ये पेशा जो है इसमें मंतक लॉजिक है, बहस है, आर्गुमेंट है, उसको ख़त्म करते हैं। अब गाली गलोच आप सीखेंगे, उससे आप आगे बढ़ें। चौथा जो हमें सिखाया गया था कि जजेस की इज्जत करनी चाहिए, उनके सामने पेश और अपने दलायल आराम आवाज़ में, छोटी आवाज़ में करने चाहिए, ये सिलसिला अब सब ख़त्म हो चुका है। अब जो नई रविश वकालत की हमारे यहाँ शुरू हुई है उसमें गालियाँ भी हैं, उसमें जुलूस भी हैं, उसमें स्ट्राइकें भी हैं। आप सोचो कैसा अच्छा पेश है, काम ही ना करो सारा दिन, तो जी हमने नहीं पेश होना आज अदालत में क्योंकि हम स्ट्राइक हैं। तो बाकी जो आप सिलेबस डॉक्टर साहब जो आप इन्हें सिखा रहे हैं इसमें ये जो अहम अंसर नए दाखिल हो गए हैं उसमें आपको अबूर होना चाहिए ताकि जब आपसे कोई मुवक्किल आके पूछे कि बेटा वकील साहब आप केस कैसा करें, को जी केस तो छोड़ो, देखो मैं गालां कैसी काटना, तो अल्लाह चाहा कि आपकी वकालत चमकेगी और आप बड़े पैसे बनाएंगे। इसका फॉर्मेट इस गुफ्तगू का ये है कि मैं कुछ बातें करूँगा और उसके बाद उम्मीद करूँगा कि आप इंटेलिजेंटली कमेंट करेंगे ताकि आपकी भी बात हम तक पहुँच सके और वो जो देखने वाले हैं, मुझे लगता है ये प्रोग्राम आप लोगों ने देखना है जी, और फिर कहना क्या कहना है आपने अम्मी जी, वो देखो मैं बैठा हैं और किड्डा सोना लग रहे हैं किड्डा है ही करके, ठीक है जी। राइट राइट वी गुंडा, द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इज रीड दिस। ओ गॉड गिव मी करेज टू चेंज थिंग्स दैट आई कैन, टू द स्ट्रेंथ to bear those that I cannot and the wisdom to differentiate between the two. Mujhe himmat de, hausla de, jurat de ke jo main cheeze badal sakta hu unko badal du, aur wo taqat de ke jo main nahi badal sakta hu unko main seh saku, aur mujhe danai de ke in dono mein se main fark mujhe malum ho sake. So pehla sawal aapke liye ye hai कि आप मुझे सोच के ये बताएंगे दूसरे हिस्से में कि वो कौन सी चीज़ें आप समझते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आप बदल नहीं सकते। जेम्स बॉन्ड पहले आप, ये सीरियल आ रहे हो पर गल दसो, कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं जो आप समझते हैं कि आप बदल नहीं सकते। जी बोलिए, फिर हिम्मत करें, हिम्मत करें, जस्ट सॉर्ट ऑफ। कल बेटे आपने अदालतों में खड़े होना है, तो उत्थे दया नहीं करके कि पिछले एक वकील साहब थे, वो वार्ड में जज साहब भी हो गए और एक चीफ जस्टिस भी हो गए गुल साहब, तो उनका मुंशी पीछे खड़ोता तो वो अदालत में जाके बिल्कुल पैन मीरा ही तरह खड़ो इंसान, तो फिर कह रहे थे कुछ बोल भी और कुछ बोल भी, तो लिहाजा जनाब कोई बोलो भी। आएगा एक बात बता दें, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी सिंपल बात है। आप खातून फीमेल, शायद एक चीज़ जो आप नहीं बदल सकती हैं वो ये है कि आप मर्द नहीं बन सकती, हालांकि बहुत से मर्दों का शौक है कि वो फीमेल बन जाए वो नहीं होता थोड़ी सी अरे बताओ भाई बेटा, अरे वो क्यों हो गया, सोलवी जमाता ही पढ़ रहे हो, खुदा दा खौफ करो और कोई बोलो फॉर द मोमेंट भूल जाओ क्या। हाँ बेटे बोलो। सर वी कैन नॉट चेंज द नेचुरल थिंग्स। बेटे ने ये फरमाया कि हम नेचुरल चीज़, नेचुरल से मुझे ये नहीं पता है कि आप फितरत को कहते हैं नेचुरल या जिबिल्लत को कहते हैं नेचुरल, जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं।
अब आप मुझे आप बाकी